हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल बजटिंग टिप्स पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। इस वीडियो में हमारा कंप्लीट होने जा रहा है 100 एनवलप चैलेंज, जो कि हमने 2021 के लिए लिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना हम 100 एनवलप चैलेंज है इसको कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली ये मैंने लिया था जुलाई में, क्योंकि मैंने कैसे स्टफिंग जो स्टार्ट करी है वो जुलाई में स्टार्ट करी है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ। लेकिन मैं इस चैलेंज को 2022 में नहीं लेकर जाऊँगी, इसीलिए जो मेरे पास अभी मैंने कैटेगरीज बनाई हुई है, मैं इनमें से कुछ कहीं ना कहीं से रूपों को निकाल कर इसमें फिल करूँगी, ताकि मेरा ये 100 एनवलप चैलेंज कम्प्लीट हो जाए। और फ्रेंड्स, जब मेरा यहाँ पे 100 एनवलप चैलेंज कम्प्लीट हो जाएगा तो मुझे मिलेंगे 550 रुपीज़। मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं ये रुपए कहाँ पर इस्तेमाल करूंगी, 550 रुपीज़ मैं किस कैटेगरी में डालूंगी, मैं ये आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो इसलिए मेरे इस वीडियो से बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हम इसको फिल करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं जो अपने मनी यूज करूंगी वो करूंगी बफर कैटेगरी से, बिकॉज बफर में मेरा दिसंबर में कुछ भी यूज नहीं हुआ। और मैंने आपको अपने दिसंबर की कैस्ट स्टफिंग वीडियो में बताया था कि अगर मेरा दिसंबर में बफर में से कुछ भी यूज नहीं होता है तो वो मेरा 100 एनवलप चैलेंज में जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बफर की कैटेगरी और उसमें देखते हैं कितने रुपए हैं हमारे पास। तो यहाँ पे है एक्सपेंस, फूड, पेट्रोल, सैलून, बफर। सो बफर में हमारे पास है, बफर में फ्रेंड्स हमारे पास है 200, 400 एंड 600 रुपीज। तो सबसे पहले हम ये 600 रुपीज फिल कर देते हैं 100 एनवलप चैलेंज में। तो यहाँ पे यहीं से स्टार्ट करते हैं। 38 तक फिल हो चुके हैं, 39 कैलकुलेट करना मेरे साथ, 41, 42, 43, 44, 45, 46, आई थिंक 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52 एंड 53। यहाँ पे ये मेरे हो गए 600 रुपीज फिल इन। तो 600 रुपीज जब मैंने बफर के यहाँ पे फिल किए तो मेरे एनवलप्स फिल हो गए। 63 मैंने लास्ट टाइम तक कर लिए थे और यहाँ पे मेरे हो गए ये 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. तो नाउ वी हैव 76 एनवलप्स फिल्ड इन। अब फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे एनवलप्स बचते हैं 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 एंड 79, जो कि टोटल मिला के होते हैं 1600 रुपीज। तो अब मुझे अपनी इन कैटेगरीज में से 1600 रुपीज निकालने हैं। तो मैं कैसे निकालती हूँ, अब आप ये देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले है मेरे पास कैटेगरी एक्सपेंस। एक्सपेंस में मेरे पास बचे हुए हैं रुपए 200 एंड 100 रुपीज बचे हुए हैं। एंड व्हाट आई एम थिंकिंग कि 100 रुपीज निकाल देती हूँ। तो अभी 100 निकाल दिए, 1600 हमें निकालने हैं। अभी हमें चाहिए 1500। फूड खाली हो चुका है एज यू कैन सी, पेट्रोल भी खाली हो चुका है, सैलून में रुपए हैं और बफर खाली हो चुका है। तो सैलून में देख लेते हैं कितने रुपए हैं। सैलून में आई हैव 100, 200, 250। सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि 100 रुपीज सैलून में से भी निकाल देती हूँ। सो 100 सैलून में से भी निकाल दिए। अब यहाँ बचे सैलून में 150 और यहाँ पर मेरे पास हो गए 200। नाउ आई नीड 1400 मोर। सो एक्सपेंस, फूड, पेट्रोल, सैलून एंड बफर। नाउ कम टू बिल। बिल में आई हैव 1, 2, 3 एंड 4 200 रुपीज इन बिल। एंड बिल में शायद मैं निकालूं, बाद में देखते हैं, बिल का मुझे कंफर्म नहीं है।
देन इन हेल्थ, हेल्थ वाले में रुपए नहीं यूज़ करूँगी, एंड मेंटेनेंस में मैं रुपए निकाल सकती हूँ. मेंटेनेंस में आई हैव 1, 2, 3, 4 1400 रुपीज़. सो आई थिंक मैं 400 रुपीज़ निकाल लेती हूँ मेंटेनेंस में से. सो नाउ 200 हेयर एंड 200 हेयर. तो ये मेरे पास हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 1600 हो गए, मतलब 600 हो गए. मुझे चाहिए 1000 रुपीज़ मोर. सो 1000 रुपीज़ के लिए रिचार्ज वाला एनवेलप खाली है. हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है चैरिटी. चैरिटी में भी कुछ नहीं बचा हुआ इस बार. इन्वेस्टमेंट में 500 रुपीज़ यूज़ करती हूँ, वो हो गए. LIC की पेमेंट मैंने कर चुकी है तो ये भी खाली है. और टेम्पल में भी मेरे 100 रुपीज़ रखती हूँ तो ये भी खाली है. तो टेम्पल यहाँ पे मेरा चैरिटी, इन्वेस्टमेंट एंड LIC एंड टेम्पल, ये चारों खाली है. अब नेक्स्ट देखते हैं. लैपटॉप में मेरे पास हैं 1, 2, 3, 4 2000 रुपीज़ और 10000 बैंक में है. लैपटॉप वाले में रुपए नहीं निकाल सकती हूँ. नेक्स्ट है वॉन्ट्स. वॉन्ट्स में 3000 रुपीज़, वो मैंने यूज़ कर दिए. नेक्स्ट है ट्रैवल. ट्रैवल में मेरे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5000 रुपीज़. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आई थिंक मैं 1000 रुपीज़ ट्रैवल वाले में से ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि ट्रैवल अभी कुछ चांस बन नहीं रहे हैं, और बन रहे हैं तो उसमें मेरे ज़्यादा 1 या 2000 रुपीज़ यूज़ होंगे. सो 1000 रुपीज़ मैं ट्रैवल वाले में से निकाल लेती हूँ. तो यहाँ पर मेरे पास हो गए अब ट्रैवल में 4000 रुपीज़. सेविंग्स वाले में हमारे रुपीज़ हैं 100 एनवेलप चैलेंज के, ये बाद में मैं निकाल लूँगी. और इमरजेंसी फ़ंड में एज यूजल हमारे इमरजेंसी फ़ंड वाले में नहीं है. तो यहाँ पे ये 1600 हो जाने चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1 1600. सो अब हम इनको फिल कर देते हैं. 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67. आई थिंक ये पैन ही वर्क नहीं कर रहा. आई विल टेक अनदर वन. 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79. सो यहाँ पे मेरे ये 100 एनवेलप चैलेंज फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया. 1600 जो हमने अब निकाले हैं और 600 जो हमने बफर वाले में से निकाले थे. तो हमें रुपए कम पड़ रहे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 1000. तो हमें कम पड़ रहे थे 2200 रुपीज़. और मैं देख लेती हूँ मेरे पास फ्रेंड्स कितने रुपए रखे हुए हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास होने चाहिए 5050 रुपीज़. तो ये रहा सेविंग का एनवेलप. इसमें मेरे पास है 50 250 450 650 850 1850 and 2850. अब इन सब रुपीस को मिक्स कर देते हैं और लेट्स सी कि ये 5050 रुपीस होते हैं क्या. 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2050 3050 4050 and 5050. ये हमारा 100 एनवेलप चैलेंज फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया. वेरी हैप्पी कि मैंने 6 मंथ्स में ये कंप्लीट किया. हाँ लास्ट में थोड़ा बहुत इधर से करना पड़ा बिकॉज मैंने शुरू भी लेट किया था, बट आई एम रियली हैप्पी कि मैंने कंप्लीट कर दिया. अब नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं पैसों को कैसे यूज़ करूंगी. 50 रुपीज़ तो बफर मतलब एज अ सेविंग के एनवेलप में ही रख देती हूँ वापस से. सो लेट्स टेक लैपटॉप, वॉन्ट्स, ट्रैवल, सेविंग. तो सेविंग में मैंने ये 50 रुपीज़ ऐड कर दिए और मैं ये जो 5000 रुपीज़ हैं ये मैं ऐड करती हूँ
फ्रेंड्स मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं इसको ऐड कर दूं 5000 रुपीस को लैपटॉप में, तो लैपटॉप में मेरे पास हो जाएंगे 12000 है और 5000 और ऐड करूंगी तो 17000 हो जाएंगे, या फिर मैं इसको ऐड कर दूं इमरजेंसी फंड में, और इमरजेंसी फंड में मेरे पास है 3000 रुपीज़। सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं इसको इमरजेंसी फंड में ऐड कर देती हूँ, बिकॉज फ्रेंड्स इमरजेंसी फंड बिल्ड करना इस टाइम पे ज़रूरी है। सो आई एम एडिंग 5000 रुपीज़ इन टू माई इमरजेंसी फंड। सो इमरजेंसी फंड में मेरे पास अब हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, दैट इज 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 and 8000. So we have 8000 rupees in emergency fund. So emergency fund build करेंगे friends. Emergency fund में 8000 हो गए. So यही था छोटी सी video 100 envelope challenge के बारे में जो मैंने इस बार complete किया. और मैं ये चैलेंज नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 में लेकर जाती हूँ या नहीं, उसके लिए आप मेरा जनवरी का कैश स्टफिंग वाला वीडियो देखना, उसमें आपको पता लगेगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा फाइनली 100 एनवेलप चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, और जो मुझे नया सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं उनको थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे वीडियोज़ को इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए नए नए वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, बाय।